नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 64 योगिनी की साधना होने जा रही है, जिसमें योगिनी के 64 स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। 64 योगिनी की साधना मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर मनोकामना को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न, संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। माता 64 योगिनी चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करती हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ ही हर तरह की जो विवाद है वो नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलाधार चक्र मुद्रा की चर्चा करेंगे। मूलाधार का जो संबंध है, व्यक्ति के लिंग और बुधा के बीच का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र माना जाता है। ये चक्र की खास बात है, ये आपके बॉडी को बैलेंस करती है, बॉडी को शक्ति प्रदान करती है। जिस तरह से एक पेड़ का जड़ होता है, जड़ जितना मजबूत होगा शरीर उतना ही स्वस्थ होगा, इस तरीके से मूलाधार जितना स्वस्थ होगा उतना शरीर स्वस्थ होता है। मूलाधार का संबंध इंसान के गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक का जो भाग है, जिसको हम पृथ्वी तत्व तो कहते हैं, वहां तक होता है। यानी गुदा भाग से लेकर पैर के अंगूठे तक कोई भी समस्या हो, दर्द हो, जाना जाना कोई भी समस्या हो, जिसका आपको नाम पता है नहीं पता है, किसी भी तरह का ऐठन हो, खिंचाव हो, सूजन हो, किसी भी तरह की पुरुष से संबंधित समस्याओं हो, कुछ भी हो, वो समस्या का समाधान इस मूलाधार चक्र मुद्रा से होता है। तो ये जो मुद्रा है, ये कोई नपुंसकता है उसमें आराम मिलता है, महिलाओं में कोई समस्या है उनमें आराम मिलता है, किसी भी तरह की दुर्बलता में आराम मिलता है, ओज बढ़ता है, चमक बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी बेहिसाब फायदा मिलता है। तो ये मूलाधार मुद्रा कैसे लगाते हैं, ढील ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ, जमीन पर नहीं बैठ सकते, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखिए ये मुद्रा, ये आप देखिए, इसको इसको इंटरलॉक करते हैं, ये देख लीजिए ऐसे, ये देख लीजिए, इसको इंटरलॉक करते हैं ऐसे, और ये करने के बाद ये मुद्रा लगाते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, देख लीजिए, फिर से इसको हमने जोड़ दिया ऐसे, फिर ये हमने ये मुद्रा लगाई और इस तरीके से हमारी ये मुद्रा लगती है, ठीक है। ये फिर से दिखा रहा हूं, हमने ये किया, ये मुद्रा लगाई और इस तरीके से हमने ये मुद्रा लगाई, इंटरलॉक सिंपल, ये मुद्रा लगाई इस तरीके से 8 चक्र पर। आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोके रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें और आपका अभ्यास खत्म हो गया है। ये दिन भर 4 बार 5 बार इसका अभ्यास करें। इसके अलावा इसके लिए कोई नियम नहीं है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसा कोई नियम नहीं। जब भी आपके पास समय मिलता है ये करें, और इसका आप कुछ ही दिनों में आपको एक आश्चर्यजनक रूप से फायदा नजर आएगा। धन्यवाद।